हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुक्र, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये SFA का लोगो किस तरह से बनाया। ये हैदराबाद में एक फ्रीलांसर की एसोसिएशन है हमारी, ठीक है, उसका लोगो मैंने बना के दिया था। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलीगन टूल लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, पॉलीगन लेके ड्रॉ कर दिया हमने, इसको रोटेट कर दिया। इसके विड्थ मैं दे रहा हूँ 168, ठीक है, 168 मैंने इसकी विड्थ दी। और ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके हमने इनको राउंड कर दिया, ठीक है। राउंड करने के बाद मैंने क्या किया, पाथफाइंडर पर जाके एक बार इसको यूनाइट कर दिया और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे गए। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद मैंने क्या किया, -30 इसको रोटेट कर लिया, ठीक है। रोटेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रोक दूंगा और इसको 14 का स्ट्रोक दे दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रोक इनसाइड कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, ये स्टेप ज़रा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करना है, Ctrl+C Ctrl+F प्रेस करना है और स्ट्रोक आउटसाइड भी कर देना है इसका। दोनों को सेलेक्ट करके हमने ऑब्जेक्ट पे गए, एक्सपेंड अपीयरेंस करना है, ठीक है। एक्सपेंड अपीयरेंस करने के बाद आपने ये जो बाहर वाला है शील्ड का शेप, इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर मूव कर देना है, ठीक है, इससे मिला देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कॉपीज लेनी है, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ली, ठीक है, Ctrl+D Ctrl+D। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो एच की एक लाइन है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है, और बीच में एक लाइन का गैप है। तो हमने वही करना है उसी हिसाब से कि हमारे पास एच की एक लाइन हो गई, बीच में एक लाइन का स्पेस हो गया, फिर एक लाइन ये एच की हो गई, फिर हमारे पास एक लाइन का स्पेस आएगा, फिर एफ की लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का हमारे पास गैप आएगा ये, ठीक है। उसके बाद एक ही लाइन जो बनेगी ये वाली, ठीक है, उसके लिए यहाँ तक लगा दिया हमने। यहाँ से जो कट करना है मैं निकाल लेता हूँ, एक और ले लेते हैं चले, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, ये कट भी लग जाएगा इसके अंदर। उसके बाद क्या करना है, हमने इन सब शेप्स को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से हमने ये इस तरह से डिलीट करना है। इन सब शेप्स को निकालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से गए हम और रेक्टेंगल टूल से हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसी वेथ का जो ऊपर हमने इसको दिया हुआ 14 का, ठीक है। या तो यहाँ से क्लिक करके बना लें, स्ट्रोक दे लें लाइन को, ठीक है, या तो आपने इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करके एक गाइड्स आपको शो कर देंगे कि प्रॉपर बन रहा है उतना ही, ठीक है, आपने एक लाइन लगाई। अच्छा, अब इस तरह से देखा जाए, इसको रोटेट अगर हम करें तो कितनी लाइन है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन का हमारे पास यहाँ पे एफ का गैप है, फिर एक लाइन लगेगी, फिर एक लाइन का गैप है, फिर एक लाइन इसकी आएगी, फिर एक लाइन का गैप, और फिर ये हमारी ए। तो हमने क्या करना है, ये देखें, एक लाइन ये एफ की, ये बीच का गैप हो गया, एक और लाइन लगाई हमने, एक और लाइन लगाई, Ctrl+D प्रेस करके ये हमारे पास आ गया गैप, ठीक है। अब हमने ए की फर्स्ट लाइन हो गई, एक ही सेकंड लाइन, और ये एक ही ये वाली लाइन यहाँ तक हो गया हमारा। तो सब लाइन को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इनको ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके बाहर निकाल रहा हूँ और इनको ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। सबको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर शेप बिल्डर टूल लेकर हमने इस तरह से इनको बाहर वाले सारे साइड निकाल दिए। उसके बाद हमने ये बनाना है अपना एच, शेप बिल्डर टूल लेकर हमने इस तरह से इसको कट करके निकालना है एच, ठीक है जी, एच हो गया हमारे पास। बीच का हमने यहाँ पर गैप दे दिया, ठीक है, इस तरह से ये निकाल देना, एच हो गया हमारे पास, बन गया। थोड़ा सा अगर सेंटर होता तो वो नीचे भी लगता, ऐसे भी सही है, चल खैर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से इन सबको निकाल दिया शेप बिल्डर से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर इन सब लाइंस को निकाल दिया, इसको निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है जी, एफ भी बन गया हमारा, देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको निकाला और इसको भी निकाल दिया, ठीक है। अब सबको सेलेक्ट करके मैंने क्या करना है, पाथफाइंडर पे जाकर इनको यूनाइट किया। यूनाइट करने के बाद मैंने ट्रांसफॉर्म पे आया और इसको वापस मैंने 30 डिग्री पर रोटेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, रोटेट तो मैंने कर दिया, एक चीज़ अब देखें, यहाँ पर जो लाइन का गैप है बीच का वो थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रोक अगर दे दूँ, बढ़ा दूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये प्रॉपर हमें सही इस तरह से लुक दे देगा। और फिर इसको स्ट्रोक देने के बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड अपीयरेंस करना है और एक बार पाथफाइंडर पे जाके इसको यूनाइट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक HFA का लोगो बन जाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा कि किस तरह से शील्ड के अंदर लेटर्स निकालते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।